तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में फिर वो देखा है, और अगर आप भी अपनी फोटोज लगाकर कुछ इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपके पास में अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली जाके आप टेलीग्राम से इस लेटेस्ट वर्जन अलाइट मोशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। देन गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बीट मार प्रोजेक्ट और एक शेक इफेक्ट का लिंक मिलेगा, और दोनों का एक्सएमएल फाइल भी मिल जाएगा। तो अगर आप प्रीसेट इंपोर्ट करना चाहते हो तो प्रीसेट कर सकते हो, अगर एक्सएमएल फाइल करोगे तो एक्सएमएल फाइल कर सकते हो, और एक्सएमएल फाइल अगर इंपोर्ट करोगे तो गाइस आपकी जो सॉन्ग है वहाँ पर डिलेड हो जाएगा। तो सॉन्ग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर बीट मार प्रोजेक्ट के लिंक पे क्लिक करके कोई भी ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना। ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर इंपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। ओके, जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सॉन्ग भी देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें मैंने पहले से भी लिरिक्स लिख के रखा हुआ है, तो गाइस आपको लिरिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। बस आपकी जो लिरिक्स की जो फॉन्ट है ना, उसको चेंज करना, ताकि गाइस आपकी जो ये फॉन्ट है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाए। ओके, तो फॉन्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर लिरिक्स पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में आ जाना है, और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, इस थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना, और गाइस जहां भी आपने फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा हुआ होगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, और सिंपली गाइस यहां पर फॉन्ट की नेम को सर्च कर लेना। देखो ये वाला नेम है, ठीक है, देख सकते हो, तो इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर से गाइस यहां पर नेक्स्ट वाली लिरिक्स को टैप कर लेना, एडिट टेक्स्ट में आके इसको सिलेक्ट करके फिर से गाइस वही वाली फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, तो गाइस जितने भी यहां पर लिरिक्स से ना, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, फिर से नेक्स्ट लिरिक्स को क्लिक करके यहाँ पर गाइस यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर लेना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके भी फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो इधर है गाइस, आपको अपनी फोटोज को ऐड करना होगा, जिस फोटो से अपनी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ कपल्स की फोटोज को डाउनलोड करके रखा हूँ, तो कपल्स की फोटोज को ही ऐड करेंगे। उसके लिए गाइस प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके सिंपली यहाँ पर गैलरी में आ जाऊँगा। ओके, गैलरी से इमेजेस को ऐड कर लेंगे। थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना, देन मूव एंड ट्रांसफर में आके फोटो को बीच में फिक्स कर लेना होगा। ओके, फिर से आगे की तरफ आकर फोटो की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना होगा। गाइस फिर से प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके नेक्स्ट इमेजेस को ऐड करके, तो यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया के ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना, फिर आगे की तरफ आकर फोटो की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस पर क्लिक करके गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फोटोज़ को ऐड कर लेना, फिर से फुल स्क्रीन कर लेना फोटोज़ को कुछ इस तरह से, फिर से गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वाली फोटोज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ओके, और यहाँ पर कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना, फोटो के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना होगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर कुछ तरह इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बस यहाँ पर अपनी फोटोज़ को गाइस ऐड कर लेना होगा। ठीक है, जैसे कि गाइस यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस वीडियो की यहाँ पर बीट बहुत ही ज़्यादा, यानी कि गाइस म्यूजिक की बीट ज़्यादा है, और एक एक फोटोज़ अगर मैं ऐड करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए गाइस पहले यहाँ पर फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इफेक्ट को कैसे लगाना है। तो गाइस वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच करते रहना। सो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने सभी इमेजेस को ऐड कर दिया। देन ऐड करने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक प्रीसेट को इंपोर्ट करना होगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली गाइस मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ इस प्रीसेट को, तो बैक हो जाएंगे प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके गाइस इस शेक इफेक्ट प्रीसेट में आ जाना होगा। ओके, यहाँ मैं फर्स्ट में देखो, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर एक लिरिक्स वाली जो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, और इधर गाइस आपको दो इमेजेस वाली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर लिरिक्स पर टैप कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, देन बैक हो गए उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब गाइस जितने भी लिरिक्स लिखा है, लिरिक्स पे क्लिक करके इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, फिर से नेक्स्ट लिरिक्स को क्लिक करके इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइस कुछ इस तरह से दूसरी लिरिक्स को भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जितने भी लिरिक्स यहाँ पर दिखेगा इन सभी पर आपको एक एक करके क्लिक कर लेना होगा, और कुछ इस तरह से इफेक्ट को लगा लेना होगा। ओके, अब इधर गाइस अपनी फोटोज में इफेक्ट को लगाएंगे तो उसके लिए बैक हो जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर गाइस फिर से प्रीसेट में आ जाएंगे। ठीक है,
गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा इफेक्ट। तो पहले इसी को सिलेक्ट कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा। देन बैक होके गाइस उसी प्रोजेक्ट में आ जाना होगा जिसमें अपना एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस इस तरफ जैसे आओगे तो यहाँ पर देखो गाइस फर्स्ट वाली जो फोटो है उसके बाद में ये जो सेकंड वाला है इसको सिलेक्ट कर लेना और इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से गाइस यहाँ पे इस इमेजेस को छोड़ के नेक्स्ट वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से यहाँ पे एक फोटो को छोड़ के फिर से नेक्स्ट इमेजेस को ऐड करके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना होगा। देन यहाँ पर एक फोटो को छोड़ के फिर से नेक्स्ट वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना, कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर जितने भी एक एक फोटोज यहाँ पर बीच में हमने छोड़ा है ना, यहाँ पर देख सकते हो उस पर हम बाद में इफेक्ट लगाएंगे। कुछ इस तरह से पहले आपको एक एक फोटो छोड़ छोड़ के यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट लगा लेना होगा। ओके, तो वीडियो की एंड तक गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गाइस लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद आपको फिर से बैक होकर दोबारा उसी प्रीसेट में आ जाना होगा। अब सेकंड नंबर में जो गाइस हमारा प्रीसेट मिलेगा कुछ इस तरह से स्लाइडिंग वाला, इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पैक कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा। देन बैक होकर उसी प्रोजेक्ट में आ जाना होगा। अब जो जो फोटोज पर हमने इफेक्ट नहीं लगाया हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पे, तो क्लिक कर लेना इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लेना। बैक होकर मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसको जूम आउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जूम आउट कर लोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट इमेजेस को सिलेक्ट करके इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लेना, मूव एंड ट्रांसफर में आकर गाइस कुछ इस तरह से इसको जूम आउट कर लेना, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरह से इधर भी जो इमेजेस है इसको टैप कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसको भी टैप कर लेंगे, इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लेंगे, मूव एंड ट्रांसफर में आकर जूम आउट कर लेना होगा और इसको गाइस बीच में अपने हिसाब से सेंटर में फिक्स कर लेना होगा, ठीक है। तो गाइस इधर भी कुछ इस तरह से क्लिक करके आपको कर लेना होगा। तो वीडियो के एंड तक गाइस कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर कुछ फोटोज़ पर आपको बस करके दिखाया हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोबारा बैक होकर गाइस यहाँ पर प्रीसेट में आ जाना होगा। ओके, जैसे प्रीसेट में आ जाओगे उसके बाद में देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक RGB वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक को टैप कर लेना, फिर सेकेंड को टैप करना, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ नंबर को और प्लस क्लिक करके कॉपी फोर लेयर करके बैक हो जाना और उसी बीट मार्क प्रोजेक्ट में आपको आ जाना जिसमें अपने एडिटिंग कर रहे हैं। अब गाइस जितना देर तक यानी जितना ड्यूरेशन रहेगा फोटोज की ना, यहाँ तक आ जाना 14 सेकंड तक और प्लस पे आके पेस्ट फोर लेयर कर देना और इसकी ड्यूरेशन को गाइस हम एंड तक कर देंगे, तो ये एंड तक हो जाएगा। अभी फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आकर गाइस सिंपली अपनी गैलरी में आ जाएंगे। ओके, और गैलरी से गाइस सिंपली यहाँ से एक वीडियोस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो है, टेम्पलेट है, इसको ऐड करके थ्री डॉट आके फील कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना होगा। वैल्यूम के ऑप्शन में आके इसकी वैल्यूम को म्यूट कर लेना होगा। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके लाइटन में आके स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना होगा। देन गाइस इसकी ड्यूरेशन को यहाँ पे 14 सेकंड तक कर देंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट इधर से ट्रिम कर लेना होगा। सो फाइनली गाइस अब जो हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, तो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके लिरिक्स प्ले होते हुए दिख जाएगा और उसके बाद में इधर जितने भी गाइस फोटोज दिखेगी उस फोटोज पर भी गाइस कमाल की इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फाइनली गाइस यहाँ पर इस ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना गैलरी में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।